सुभाष चंद्र बोस। यह नाम आज भी इतिहास में मशाल की तरह धड़कता है। नेताजी भारत की आज़ादी क्रांति के माध्यम से दिलाना चाहते थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि इस काम को अंजाम देने के लिए उन्हें भारत से बाहर जाना होगा। देखते हैं इस नन्ही नाटिका में आज़ादी की पुकार पर कैसे नेताजी अपनी जान पर खेलकर हिमालय जैसी बाधाओं को पार कर जाते हैं। बिना जंग की आजादी यह असंभव है। बिना युद्ध के अंग्रेज भारत नहीं छोड़ेंगे। भारत से उन्हें फायदा ही फायदा है। विंस्टन चर्चिल भारत को अपने हाथों से नहीं जाने देगा। भारत छोड़ो आंदोलन को तो वो खेल मान लो। चाचा जी आपसे मिलने कोई आया है। पठान जैसे लगते हैं। उन्हें चुपचाप पीछे वाले दरवाजे से अंदर ले आओ। किसी को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए। सावधानी से। क्रांतिकारियों को मिलना ही होगा। पर अकबर भाई, अब मैं ये आजादी की जंग हिंदुस्तान में रहकर नहीं लड़ सकता। मुझे फ्रंटियर पार करके जर्मनी और जापान जाना है। जर्मनी और जापान? युद्ध नीति मिलन भाई, युद्ध नीति। जर्मनी और जापान दोनों ब्रिटेन के दुश्मन हैं, और दुश्मन के दुश्मन हमारा साथ देंगे ना। हम आपके साथ सभा भी आपके साथ देंगे। फ्रंगियों को हिंदुस्तान की बागजमी से भगाना है। उन्हें भगाने के लिए हमें उनसे युद्ध करना होगा। किस देश को बैठे बैठे बिना युद्ध के आजाद मिली है। यह ब्रिटिश सरकार दोगली है। एक तरफ यह प्रजातंत्र का झूठा नाटक करती है, और दूसरी तरफ ये हमें गुलाम बनाकर हमारा खून चूसती है। अध्यक्ष, तू हम इतना अत्याचार सहते क्यों है? हमारे हरे भरे बेगा को बांध कर इन्होंने वंचित कर दिया। किसानों से जबरदस्ती नियम की खेती करवाते हैं और ऊपर से ऊपर टैक्स लगाते हैं। इनके शोषण की कोई सीमा नहीं। जो हाथ अनाज जुगाते हैं आज इनके पेट में रोटी तक नहीं। और तो और, हिंदू और मुसलमानों को धर्म के नाम पर भड़काते रहते हैं। असली मुसलमान मजहब के नाम पर भड़कता नहीं है। उसकी आंखों को फिरंगियों का असली चेहरा दिखाई देता है। हमारे हरे भरे बंगाल को बांट कर ये कमजोर बनाना चाहते हैं। गाँव में रहने वाला पहले किसान है, जमीन बोला उसका पहला मजहब। और ये अंग्रेज उन लोगों के दिमाग में जहर भर रहे हैं। हमें लड़ा कर ये खुद राज्य करते रहे। बच्चों, अब समय आ गया है कि हम उनकी हर चाल को नाकाम करें। हाँ तो अकबर भाई, मौलवी के कपड़े लाए हो ना? शिष्य, अकबर भाई को पीछे वाले दरवाजे से भेज दो। अरे अकबर भाई, आप जरा पंडित के कपड़ों में भर जाएं। चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा हुआ है। सुभाष भाई, मेरे फ्रिक ना करे। वंदे मातरम। तो चाचा, इसका मतलब है आप पठान बनकर जाएंगे? पर बाहर तो इतनी पुलिस का पहरा है। हाँ चाचा, आप जाएंगे कैसे? बाप तो अंग्रेजों के गुप्तचर घूम रहे हैं। जब स्वतंत्रता पुकारती है सब पहरे टूट जाते हैं। देखना हम कैसे निकल जाएंगे। हाँ शिशे, तुम कल सुबह मुझे अंधेरे अंधेरे में ही स्टेशन तक छोड़ देना। हाँ चाचा जी। किसी को भी मालूम नहीं पड़ना चाहिए। कोई पूछे तो क्या कहना है?
यही कि आपने मौन साधना रखी है और आपके कमरे में कोई भी नहीं जा सकता है। सुभाष चंद्र बोस मौलवी के रूप में ट्रेन और बसों से पेशावर पहुंचे। ब्रिटिश साम्राज्य के गुप्तचरों की आंखों में धूल झोंक कर नेताजी कलकत्ता से गायब हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जर्मनी और जापान गए और इस दौरान उनकी मुलाकात राज बिहारी बोस से हुई। राज बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभालने के लिए सिंगापुर में आमंत्रित किया। साथियों, आप जानते हैं कि मैं सदा सिपाही रहा हूं और एक सिपाही की तरह भारत माता को आजाद करने के लिए हमने भारतीय नेशनल आर्मी की स्थापना की। आज भी हमारा एकमात्र लक्ष्य यह है कि भारत को ब्रिटिश दासता से जल्दी ही मुक्ति मिले और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैं भारतीय नेशनल आर्मी की कमान सुभाष चंद्र बोस को देता हूँ। वह भारत माता का ऐसा सपूत है जो स्वतंत्रता की पुकार से हिमालय जैसी बाधाओं से टकरा गया। भारत से फरार होकर वह तूफानी बंधु जर्मनी और जापान गया। वहां जाकर हमारे इस बंधु ने वहां की सरकारों से भारत की आजादी के लिए मदद ली। आज से सुभाष चंद्र बोस इस सेना के नेता हैं। आइए हम सब साथ साथ इस नेता का स्वागत करें। वंदे मातरम। वंदे मातरम। शत शत प्रणाम। इस जिम्मेदारी को मैं पूरी तरह से निभाऊंगा। यह काम अपने आप में मुश्किल जरूर है, पर आप लोगों के सहयोग से हमें सफलता जरूर मिलेगी। उस असीम सत्ता से प्रार्थना है कि वो हमें अपार शक्ति दे ताकि हम हमारे देश को ब्रिटिश साम्राज्य के खूनी पंजों से मुक्त कराएं। भारत माता हमें बुला रही है। भारत के 38 करोड़ लोग हमें बुला रहे हैं। हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और यह आजादी की जंग हमें साथ साथ लड़नी है। इसलिए आज से हमारा नया अभिवादन होगा, जय हिंद। जय हिंद। ब्रिटिश साम्राज्य जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, अब जल्दी ही डूबने वाला है। आज से हमारी सांसों के सुर एक हैं। हमारे कदम साथ साथ उठेंगे। हमारे कदम साथ साथ उठेंगे। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और आजाद हिंद फौज भारत की स्वतंत्रता के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगी। हमारा लक्ष्य एक है, आजादी। हमारा नारा एक है, आजादी। हमारी सांसों के सुर एक हैं, आजादी। आजादी को पाने के लिए हमें कदम कदम साथ उठाना है। स्वतंत्रता को पाने के लिए हमें चट्टान से भी ज्यादा मजबूत बनना होगा। साथियों, हमें दिल्ली जाना है। हमारी जंग लंबी और मुश्किल होगी, पर हमें लाल किले पर झंडा फहराना है, चाहे हमें हमारी जान की बाजी लगानी पड़े। चलो दिल्ली, चलो दिल्ली।